और एक फिन, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टीम को। एक बार ओबेसिटी वाले लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, आवाज सुन ली आपने। अब जरा पतले लोग बोलेंगे गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, दोनों साथ में बोल देते हैं गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। यस, देखिए आज जो हमने सब्जेक्ट डिसाइड किया है ओबेसिटी, ओबेसिटी के पहले और ओबेसिटी के बाद दो चीज होती है वो आप देखिए। हेल्दी पर्सन ओबेसिटी और डिजीज्ड, कहता है बीच में आप में देखो एक नॉर्मल पर्सन। हम एक बार एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर की इनर स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक हेल्दी पर्सन आप शायद वो बात समझ जाएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं एक ही ऑर्गन बनाता हूं बॉडी के अंदर, ऐसे सारे ऑर्गन्स होते हैं ये मैं उस पर्सन की बात कर रहा हूं जो स्लिम ट्रिम हेल्दी पर्सन है। जो हम खाना खाते हैं डेली यूज, डेली हम पर्पस लेते हैं, क्या लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और जो हम लेते हैं और ओबेसिटी हमारे में आती है उससे हम क्या देखते हैं और देखना क्या चाहिए वो देखें। समझ गए होंगे आप? Yes, sir. ये तो आपको आउटर दिखता है, इंटरनल अगर हम देखें यहां भी एक्यूमुलेशन है, यहां भी एक्यूमुलेशन है। आप किसको देखते हैं? ये इस एक्यूमुलेशन को देखते हैं ओबेसिटी में। लीवर के आसपास भी एक्यूमुलेशन है। एक हेल्दी पर्सन अंदर के ऑर्गन बाहर के ऑर्गन दोनों ठीक लग रहे। एक ओबेस पर्सन में अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल ओबेसिटी और इंटरनल ओबेसिटी दोनों होती है, और हम सफर हो जाते हैं बहुत सारे डिजीज। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ओबेसिटी से होता क्या है, अभी दो मिनट बाद मैं बताऊंगा ओबेसिटी को दूर कैसे करना है, ओबेसिटी की क्या वजह है, सब बता रहा हूं। अब डिजीज क्या है? यू आर सफर फ्रॉम हाई बीपी, सफर फ्रॉम ज्वाइंट पेन, आपने सुना होगा लीवर क्या हो जाता है, yes. बहुत कॉमन आज के टाइम आप देखते हैं फैटी लीवर, और मैंने बनाने की भी यही कोशिश की है फैटी लीवर। इसके बाद डायबिटीज, आपको लगता है अगर आप इनसे सफर कर रहे हैं हाई बीपी ज्वाइंट पेन लीवर फैटी लीवर,
और डायबिटीज, इन सब की वजह क्या आपने कभी दिमाग में इस बात को सोचा कि इन सब की वजह एक ही है? अगर ओबेसिटी है तो आप बिल्कुल तैयार रहें, इन चारों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है और चारों प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके साथ एक खतरनाक बीमारी आपको क्या हो जाती है? स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं आप। अब खर्राटे मारना शुरू करते हैं तो कई सारे तो ऐसे लोग होते हैं, हस्बैंड बहुत मोटा है, वाइफ बहुत पतली है, वाइफ को रात भर नींद नहीं आती क्योंकि हस्बैंड पास में खर्राटा मार रहा होता है। उसकी जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है उस लेडी की जिसका हस्बैंड खर्राटा मार रहा होता है या वाइफ खर्राटा मार रही है। वजह स्नोरिंग, और स्नोरिंग की वजह ओबेसिटी। अब देखिए स्नोरिंग की वजह आप देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल ओबेसिटी, इंटरनल ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक है अंदर भी एक्यूमुलेशन बाहर भी एक्यूमुलेशन, ये रास्ता क्या हो गया? छोटा हो गया। आपने देखा है अगर मैं ऐसे बना दूं, एक आपको कोई बांस दे दूं, बैम्बो दे दूं ऐसा, तो आप अगर फूंक मारते हैं तो सीटी नहीं बजती, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो फूंक मारेंगे तो सीटी बजेगी। स्नोरिंग की वजह समझ आ गई आपको? तो जो पैसेज है वो पैसेज छोटा हो जाता है, और अगर पैसेज छोटा होगा तो स्नोरिंग होगी। लोग कहते हैं स्नोरिंग होनी शुरू हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकता, और स्नोरिंग को ठीक करने का बड़ा आसान उपाय है, आप उसको 6 से 8 किलो वजन कम करिए, स्नोरिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एक केस अभी रिसेंट केस आया था जिसका मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था लास्ट टाइम, मोहित जी उनके, उनको एम्स में गए, वो एम्स में उनके साथ प्रॉब्लम क्या, स्नोरिंग इतनी ज्यादा कि रात को जब वो सोते थे तो उनकी सिचुएशन ऐसे हो जाती थी कि कब सांस रुक के उनकी डेथ हो जाएगी। जिसके लिए आपने सुना है कि एलोपैथ डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्लीप स्टडी और मशीनें भी दे देते हैं, या मशीन लो मशीन लगा के सो। क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि मशीन लगा के आप सोए? आपका पता है तकिया इधर उधर हो जाए तो नींद नहीं आती, मशीन लगाए कैसे सोएंगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो पेशेंट एम्स से रेफर पेशेंट मेरे पास आया, उसको एम्स के डॉक्टर ने बोला कि आप नेचुरोपैथी ज्वाइन कर लो। नेचुरोपैथी मतलब जिसमें आप डील करते हो वेलनेस के प्रोडक्ट्स। उसको पता नहीं था कि मेरा क्या होने वाला है। उस पेशेंट ने 46 केजी वजन कम किया, 46 केजी वजन। इस समय उसके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, और जो मशीन की बात हो रही थी उसकी कोई जरूरत नहीं। ये एक खास बात है ओबेसिटी। और ऐसा अगर हम अपने आप को देखें तो यहां पे बैठे 90% लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। ओबेसिटी कहीं की भी हो सकती है, अगर आपका डबल चीन हो गया तो भी ओबेसिटी है, आपके थाइस मोटे हैं तो भी ओबेसिटी है, आपके हिप्स भारी हैं तो भी ओबेसिटी है, ये सारे ओबेसिटी के ही केस। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ओबेसिटी को दूर करने का, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, वो सब बता दूंगा। और सारे वेल के प्रोडक्ट ही हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ही यूज करेंगे, और कैसे दूर होता है वो देखिए। उससे जरूरी क्या है कि मोदी केयर के अगर आप मेंबर हैं तो मुझे लगता है कि आप मोदी केयर में क्यों जुड़े हैं? बिजनेस के लिए। कैसा फ्रीडम चाहिए आपको? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। आपको लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम आपको बिना वेलनेस के प्रोडक्ट के नहीं मिल सकता? आपको 2017 का कैलकुलेशन मैं बताता हूं, वेलनेस के प्रोडक्ट में 250 बिलियन डॉलर्स का वर्क हुआ है पूरे वर्ल्ड में। 250 बिलियन डॉलर्स का वर्क हुआ है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, नाम आपको खुद समझ आ जाएगा, मैं डायरेक्ट नाम किसी का नहीं ले रहा। फर्स्ट में इसमें है, मैं कुछ नाम गलत लिखता हूं, फर्स्ट में नाम है इसमें, आप भी मत लीजिए, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट पोजीशन में आता है ये, जिसने 50 बिलियन डॉलर्स का काम किया। आप जिस चीज को मिस कर रहे हैं मोदी केयर में आके, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि
आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो चीज जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपको मिस ही नहीं करना चाहिए, कोई पर्टिकुलर पोर्शन को आप छोड़ रहे हैं जहां से आपको बिजनेस आने वाला है। इसके बाद एक कंपनी है जूस प्लस, इसका बिजनेस है $12 बिलियन का। थर्ड निकल, इसका बिजनेस है $9 बिलियन का। फोर्थ आगे बता आपको, इसका बिजनेस है $3 बिलियन का। और इसका बिजनेस है $2.5 बिलियन का ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यहां आपने देखा नहीं कुछ मिस कर रहे मोदी के नहीं है। एक से बीस में हम नहीं है, पूरा नाम देखिए नहीं है। वजह क्या है? वजह हम खुद है, हम रिकमेंडिंग नहीं करते, रिकमेंड करना आता ही नहीं है। कमाल की बात है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें देना नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे हमारे पास सब कुछ। आपको बताएं एमवे जो भी कंपनी है आज के टाइम, एमवे जैसी जो भी कंपनी है, हर्बल लाइफ है, क्या है उसके पास? आप बताइए हर्बल लाइफ के पास क्या है आज? एक प्रोटीन, एक शेक है और एक ईफ्रेश, अफ्रेश, यही तो है। तो आपने अगर कभी भी हर्बल लाइफ का नाम सुना होगा, उसके प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, तो सबसे ज्यादा परचेज करने वाले और आप में से 80% लोग शायद उसमें होंगे भी पहले। yes. और आपने सिर्फ इन्हीं दो चीज को बेचने की कोशिश करी होगी। yes. क्या बेचा होगा? शेक बेचा होगा और अफ्रेश बेचा होगा, ठीक बात है? क्या आपको लगता है हमारे पास नहीं है? हमारे पास नहीं है, हमारे पास है ना, प्रोटीन है हमारे पास। यूज मैं बताऊंगा प्रोटीन कैसे ओबेसिटी कम करता है। प्लस में हमारे पास हर्बल टी नहीं है, क्या हम अफ्रेश की जगह नहीं दे सकते? काम जो अफ्रेश ने करना है वही हमारे हर्बल टी ने भी करना है, जिसको ग्रीन टी बोलते हैं। अगर हम कॉफी दे दें गर्म पानी में तो काम उसने भी वही करना है जो अफ्रेश ने करना है। तो क्या हम इसकी तरह बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते। क्या आप में से वो अगर सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स पे बिजनेस कर सकते हैं तो हम सिर्फ स्टडी क्लीन पे बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम स्टडी क्लीन पे बिजनेस कर क्यों रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर मैं अपने क्लिनिक में लास्ट 5 महीने के ड्यूरेशन मुझे हुआ है सर मोदी केयर से जुड़े, और मैंने सारी कंपनी हटा दी अपनी क्लिनिक से, और मैं अगर 1 महीने में 50,000 रुपए का कैल्शियम बेच सकता हूं तो मुझे लगता है आप भी बेच सकते। अब हम दूसरे कंपनी में आए, इस कंपनी हर्बल लाइफ की बात करी, एमवे के बारे में बात करते हैं। एमवे में आपने देखा क्या प्रोडक्ट मेनली किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है? न्यूट्रलाइट। क्या है न्यूट्रलाइट में? क्या है न्यूट्रलाइट में? प्रोटीन है, ठीक है जी। तो और प्लस में क्या है जी? वाइटामिन है। क्या हमारे पास वाइटामिन नहीं है? क्या हमारे पास प्रोटीन नहीं है? क्या हमारे पास नोनी नहीं है? हम काम कहां कर रहे हैं? 1 से 20 तक में हमारा नाम लाइव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो काम करने में मस्त, इसमें स्टेरिक्लिन में मस्त। मैं कह रहा हूं सिर्फ स्टेरिक्लिन में, मैं कह रहा हूं काम मत करिए, ऐसा नहीं है। स्टेरिक्लिन में काम करके और होम प्रोडक्ट में काम करके भी आप इस समय सबसे ज्यादा ग्रोइंग कंपनी है। एमवे का शेयर डाउन हो गया है, फॉर एवर होने वाला है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने वो क्यों छोड़ दिया जिसके कारण आज के टाइम में ये फर्स्ट पोजीशन पे लाई करते हैं, और उनसे ज्यादा अच्छा हमारे पास है। एमवे किस लिए जाना जाता है? सोचा आपने कभी एमवे किस खास बात होती है? क्योंकि हमारा सामान तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। yes. सुना है ऐसा? तो भाई कंसंट्रेटेड है तो हमारा प्री वॉश क्या कंसंट्रेटेड नहीं है? yes, क्या हमारा स्टेरिक क्लीन कंसंट्रेटेड नहीं है? है? Yes. तो उससे 1/10 में हम अपना सामान देते हैं। अगर हम स्टेरिक्लीन 87 में देते हैं तो हम उसके कॉस्टिंग आप समझ सकते हो उसका कॉस्टिंग क्या होगा। अगर फर्स्ट आप करने के लिए वो जिस कॉस्टिंग में देते हैं उससे
डिसॉल हम क्या कॉस्टिंग में देते हैं, 100 rupees का डिसॉल है हमारा, कंसेंट्रेशन सेम है क्योंकि आप स्टेरिक क्लीन का डेमो करके दिखाते हैं, चार बूंद डालते हैं ये हो गया जी साहब। तो एमवे को तो हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं और कर भी रहे क्योंकि उनका शेयर डाउन हो रहा है, ठीक है जी। ऑरिफ्लेम के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऑरिफ्लेम में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है, तो हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट तो है ही नहीं है, तो अगर हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं तो उसको इस्तेमाल कौन करेगा, ऑरिफ्लेम वाले हम यूज कराएंगे, करेंगे है ना। तो कहता है जी क्या प्रॉब्लम क्या है वेलनेस के प्रोडक्ट में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां चला जाता है, आप किसी से नए मेंबर से जोड़ते हैं आप विटामिन की बात क्यों नहीं करते, नॉलेज नहीं, और हम कहते हैं जी इस कंपनी में तो रफेज है जी, हमारे पास रफेज नहीं है, किसने कह दिया रफेज नहीं है हमारे पास, जरा स्पाइरुलिना उठा के देखिए, काई तो है, प्रोटीन है, रफेज है, सब कुछ तो है उसके अंदर, क्या है और कैसे काम करेगा बॉडी में वो तो मैं भी बताऊंगा ये आपको, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि हमने क्या हम एक पर्टिकुलर चीज लैक नहीं कर रहे, जिस चीज से वो $250 billion का वर्क कर रहे हैं, जिसके बेस पे वो टिके हुए हैं, हर्बल लाइफ के पास कौन सा स्टेरिक क्लीन है बताइए मुझे, कौन सा डिसॉल है हर्बल लाइफ के पास, आज हर्बल लाइफ वाले को आप देखिए किसके बेस पे टिके हुए हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट के बेस पे टिके हुए हैं। आपके पास जो वेलनेस के प्रोडक्ट है उसके स्ट्रेंथ को आप समझ नहीं पा रहे और कॉम्बिनेशन बनाना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप जस्ट 2 महीना पहले दूसरी कंपनी में थे तो आप वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे, तो मोदी केयर में आगे क्या हो, सर अभी स्टेरिक क्लीन क्यों दिखाई दे रहा, वेलनेस के प्रोडक्ट कहां चले, नॉलेज की कमी है। और मैं गारंटी देता हूं जी आपको इस बात की कि मैं आपको वेलनेस के प्रोडक्ट की जो जानकारी मेरे पास है बेस्ट जो हो सकता है मैं आपको दूंगा, सारी जानकारी किसी के पास नहीं होती, जितनी है उतनी देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, समझ गए ये बात, तो आज से हम वेलनेस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या, yes, अगर आप किसी से भी मीटिंग करते हैं तो आप उसको जरूर बताइए कि अगर आपको ओबेसिटी कम करना है हर्बल लाइफ किस पे फोकस करता है, आपको पता है, और किसी बीमारी के बारे में वो कहते हैं कि मैं ठीक नहीं कर सुना है, जब वो खुद कहते हैं कि किसी बीमारी को मैं ठीक नहीं कर सकता, सर हम मोटापे को कम कर सकते हैं, तो मोटापे को कम करने के लिए तो मैं आपको सारे मंत्र अभी दे रहा हूं, जितना मर्जी कम कर लीजिएगा, मैं भी मोटा हूं कैसे नहीं, तो जी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, आप अपने भी यूज करके देख लीजिए, जिस दिन आपको लगे कि आपका 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo वजन कम हो गया उस दिन तो आप बता सकते हैं किसी को, yes, sir. Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है, no, no, sir. देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओबेसिटी के कॉज क्या है, ओबेसिटी क्यों हो जाता है हमें, आपने कभी सोचा है, चलिए एक आपको क्या होता है जी, हंगर होती है कॉज, और ओबेसिटी क्या और कॉज, इंडाइजेशन, और बता दीजिए कुछ, इनकम्प्लीट टाइम पे ना खाना, इनकम्प्लीट स्लीप, टाइम पे नहीं खाना बिल्कुल ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ऑयली फूड, जंक फूड, हम उसको फास्ट फूड बोल लें, यस, और फिजिकल लेबर, एक्सरसाइज की कमी है, यस yes. lack of exercise or stress, sleep is most important, lack of sleep, उसको हम ऐसे बोलते हैं इस केस में लेट नाइट स्लीप, क्या बोलते हैं लेट नाइट स्लीप, और यस बहुत बढ़िया चीज है जी, जेनेटिक, हेरिडिटी, क्या बोलते हैं अपने इसको, हेरिडिटी, और बताइए जी, हार्मोनल डिसऑर्डर, थायराइड का नाम सुना है, हार्मोनल डिसऑर्डर, और बताइए बताइए, बहुत सारे लोगों को रात को खाने की आदत होती है, अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ कुछ खाते रहते हैं, लेट नाइट
स्नैकिंग की आदत होती है, और बताइए हिंदुस्तान में है आप मेहमान। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है जी आपके साथ, देर तक सोना। हाँ, देर तक सोना, लेट नाइट स्लीप, है ना। तो कहते हैं जी मेहमान नवाजी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप गेस्ट को खिलाने खिलाने के चक्कर में खुद भी खाते रहते हैं। तो ये मेहमान नवाजी जो है ये भी एक कॉज है ओबेसिटी का इंडिया में, ठीक है। उसके बाद सर ग्रहणी की बचत भी तो उसमें कहीं ना कहीं शामिल है। अभी कराते हैं जी ग्रहणी की बचत, दो मिनट रुक जाइए। अभी ये कह रहे हैं जी ग्रहणी की बचत कहीं पे ही शामिल है, कैसे बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे हमने खाना बनाया कुछ बच गया तो सबसे पहले लेडी ये देखती है कि वेस्ट हो रहा है, इसको हम ही गर्म करके खा लेंगे। बच्चों ने छोड़ दिया थोड़ा थोड़ा कुछ 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 कुछ, उसमें हमारी कंप्लीट डाइट जो अपनी होनी चाहिए वो हट जाती है, और हम इधर उधर थोड़ा थोड़ा बच्चों का या हस्बैंड का झूठा खा के अपना पेट इनकम्प्लीट उसको फिल कर देते हैं। इररेगुलर फूड हैबिट, ये किसमें आ जाता है? इररेगुलर फूड हैबिट, इनकम्प्लीट फूड को हम कम्प्लीट कर देते हैं, इनफ हो गया। कहते हैं जी जो बच गया खा लो, कभी तो दो रोटी की जगह चार रोटी बच गया खा लो, और कभी पता लगा एक भी नहीं बचा भूखे रह गए। जो इररेगुलर फूड हैबिट है, इररेगुलर फूड हैबिट के कारण आपका ओबेसिटी बढ़ जाता है, प्लस में स्वीट्स आपको बता दिया मैंने। अब देखिए इसके अलावा आपको कोई और कॉज दिखता है तो बता दीजिए मुझे, और ओबेसिटी के कोई कॉज? अगर आप फिजिकल लैक ऑफ एक्सरसाइज में अगर करते हैं तो रॉन्ग पोस्चर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 8 घंटा कुर्सी पे बैठता हूँ, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक कुर्सी पे ही बैठता हूँ, ना हिलता ना डुलता, पेशेंट ही देखता रहता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रॉन्ग पोस्चर से बैठेंगे तो आपको बैकएक तो हो सकता है। नेक्स्ट क्लास हम जो लें वो आपको जॉइंट पेन पे लें तो वहां आपका ये पॉइंट चल जाएगा। सर वहाँ एक ही भी तो होता है बैकिंग के साथ साथ जब हम बैठे हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो लंग्स और लंग्स जो प्रॉपर काम नहीं करते, अगर लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रहता है हमारा हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स जो आ जाते हैं। ओबेसिटी कैसे होती है ये बताइए उससे, वो तो आप ओबेसिटी का कारण बता रहे हो, ओबेसिटी कैसे हो जाती है उससे? ओबेसिटी की बात हम कर रहे हैं कि ओबेसिटी की वजह रॉन्ग बैठने के कारण ओबेसिटी नहीं होता है, उसको हम वहां डाल सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप 8 घंटा बैठने का काम कर रहे हैं लेकिन आप बाकी 4 घंटा अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बैलेंस करिए आप। बैलेंस करना अगर हम जानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बैठ के काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें कॉज है किसकी? ओबेसिटी, ठीक है। अब देखिए, अब हम ओबेसिटी को, ये सारे कॉजेस को हम दूर कैसे करें, और दूर करना किससे? हमें वेलनेस के प्रोडक्ट, और वेलनेस के प्रोडक्ट कौन से? मोदी केयर। और मैं आपको गारंटी देता हूं वाकई में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो। हम स्टार्ट करते हैं, कॉज हमने बता दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक कॉज को मैं क्लियर कर दूंगा इसी वेलनेस के प्रोडक्ट से। हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। आपने एक कॉमन बहुत सुना होगा कि प्रोटीन लेने से वजन कम हो जाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोटीन लेने से वजन कम क्यों हो जाता है, क्या वजह है उसके पीछे? जब तक आप वजह नहीं जानेंगे ना आपको बोलने का मजा नहीं आएगा, आप किसी को बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आप उसका वजह नहीं जानते तब तक अगर आप बोलते हैं तो अधूरी बात है, और अधूरी बात कभी भी आपको रिटर्न नहीं देता। अब कहते हैं प्रोटीन करता क्या है, आप ये देखो सबसे पहले क्या है, प्रोटीन डाइट एपेटाइट या हंगर, एपेटाइट का मतलब भूख। कहता है प्रोटीन का इंटेक जब आप करते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपके भूख को कम कर देता है, हंगर डिक्रीजिंग हार्मोन रिलीज करता है।
तो आपका क्या हो गया जी, भूख कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन आपके लेने से आपका भूख कम हो गया, तो भूख कम हो गया तो क्या होगा, इनटेक आपका कम हो जाएगा। आपने सुना होगा इनटेक कम करने के लिए लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो पता क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते जी हमारा स्टमक का साइज छोटा कर, ऑपरेशन करवा देते। सुना है कभी? जरूर सुना होगा। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उस ऑपरेशन कराने के बाद चार चार ऑपरेशन और कराना पड़ता है, वो रिकवर ही नहीं होता कभी। कि क्या जरूरत है हमें स्टमक की साइज कम कराने की, बैलून की हवा निकाल दो छोटा तो अपने आप हो जाएगा। ऑपरेशन कराने से डेथ भी हो जाती है, इस तरह का ऑपरेशन कराने से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ। जी हाँ, तो कहते हैं जी आपने बैलून का हवा निकालना है। अब हवा निकालने के लिए हमारा हवा है क्या? कहता जो आप खाते हैं ठूस ठूस के। एक जी आपका यहां पॉइंट है ये वाला, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या आप किसी चीज को भी टेस्ट के लिए खाते हैं? सब्जी बड़ी अच्छी बन गई, सब्जी बहुत अच्छी बन गई, अब आप क्या करेंगे जी? ज्यादा खाने वाले, तीन रोटी की जगह चार रोटी खा जाएंगे, और फिर वाइफ के लिए तो बचेगा ही नहीं। अभी आपने बोला ना थोड़ी देर पहले, जो बचता है वही खा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करिए जी, जो बचता है वो खा लीजिए। आपकी अपनी आइडेंटिटी है, हस्बैंड है, भगवान नहीं है। भगवान तो आपके अंदर है, भगवान आपके अंदर है। कहते नर ही नारायण है, सुना है निरंकारियों की बात आपने, बहुत ही शानदार बात कहते हैं। नर ही नारायण है, ईश्वर आपके अंदर है, हस्बैंड आपका ईश्वर नहीं है। चार दिन बीमार पड़ जाइए, वाइफ तो किडनी देने को तैयार हो जाएगी, हस्बैंड कभी किडनी नहीं देगा। आपने सुना होगा आज तक कभी, मैं तो इतने दिनों प्रैक्टिस करते हुए मैंने आज तक नहीं सुना है कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को किडनी दे दे। वाइफ तो बड़ा सुना है मैंने, सर लेती नहीं है, होगा तब तो दे देंगे। वो कहता है कि चलो नहीं स्वस्थ रह ले तो मतलब क्या, हस्बैंड का फर्ज नहीं बनता कि दो किडनी में से एक दे दे? सर टाइम आएगा तब दे देंगे ना। नहीं देते सर, इसलिए कोशिश उसकी पता क्या होती है, ना 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 मुझे किडनी नहीं देना भाई। लेकिन देखिए सारी चीजें औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सर बोल रहा हूँ तो एक बार मेरे घर भी आके देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स की होती है, और आप उसको ज्यादा भगवान समझने की कोशिश मत करें। इज्जत दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपने अंदर जो आत्मा है जिसमें कहते हैं परमात्मा का वास होता है, वहां गड़बड़ मत करिए कि भूखे सो गए इसलिए कि रोटी नहीं बनी। भैया तीन रोटी खा लिया चलो उठ जाओ, फायदा आपको ही होना है, किडनी आपका ही बचेगा जी। अगर आप तीन रोटी हस्बैंड खाता है तो चौथी रोटी किसी कीमत पे मत दो, चाहे कितना भी टेस्टी बन जाए खाना। ज्यादा बोले तो सब्जी में थोड़ा नमक डाल देते, ये ले बेटा सब्जी एक रोटी खाना और ये नमक के साथ खा ले। आप वहां ज्यादा प्यार मत दिखाओ, उस प्यार के चक्कर में आपके बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, और अगर वो हस्बैंड ओबेसिटी का शिकार हो गया ना तो सर ये रात भर सोएंगे नहीं और ये सारी बीमारी आपको अलग से हो जाएगी। ये सारी उसकी बीमारी है, हस्बैंड की बीमारी मतलब आपकी बीमारी। तो आप वो प्यार क्यों दिखाते हो, रोटी खिलाने वाला प्यार दिखाने की जरूरत क्या आपको, जब आपको पता है उस रोटी के, आपको पता है एक गुलाब जामुन तो खा के देखिए कितना मजा आएगा आपको। कितने ग्राम गुलाब जामुन है? 50 ग्राम का मुश्किल से। आपको पता है 48 आवर्स के अंदर ये 50 ग्राम का गुलाब जामुन आपका वजन कितना बढ़ाएगा, 1 से 1.5 kg। सोचा कभी? कह रहे गुलाब जामुन में आपने 50 ग्राम का गुलाब जामुन खाया, उसके अंदर इतनी कैलोरी है कि आपका 1 से 1.5 kg वजन बढ़ जाता है। हम तो दवा लेते शादी में जाके, भाई फ्री का मिल रहा है और खा लो, है ना। तो कहते हैं जी ये जो आपका टेस्ट है ना, टेस्ट ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अपना एक रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन लाइफ बनाओ कि मुझे अगर दो रोटी ही खाना है तो चाहे जो मर्जी आफत हो जाए दो रोटी से ज्यादा नहीं, चाहे आप कुछ मर्जी कर लो। आज सुबह मेरी वाइफ ने एक प्यार दिखाने की कोशिश करी, कहती मैं आज जिस दिन से मैंने डॉक्टरी अपनी शुरू करी है
देखिए मैं इसके पीछे आपको कॉज बता देता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था और मैं जहाँ पे पढ़ रहा था वहाँ पे तीन चार टीचर्स थे, एक डॉक्टर छुपराल थे और बाकी तीन चार लेडी थे। तो कई सारे पेशेंट आते थे तो वो डॉक्टर्स डाइट चार्ट लिखते थे और सर साइलेंट कर लो मोबाइल। वो डाइट चार्ट लिखते थे, उसके बाद पेशेंट 5-7 दिन के बाद वापस आता था और वो कहता था कि डाइट कौन लिखती थी, वो लेडीज, लेडी डॉक्टर्स। और वो पेशेंट आते थे कहते थे हमें फायदा नहीं हुआ। उसी डाइट चार्ट को सर लेते थे और एक बार पढ़ के सुना देते थे और 5-6 दिन के बाद वो पेशेंट आता था कहते डॉक्टर साहब फायदा हो गया। मेरे समझ नहीं आया एक चक्कर क्या है भाई, सेम डाइट चार्ट, एक शब्द नहीं बदला, ये हो क्या गया, उसी डाइट चार्ट से कैसे असर हो गया। फिर मैंने ना पता लगाने की कोशिश करी, मैंने कहा ये देखो तो सही चक्कर गया ये। तो मैंने पता किया तो पता लगा जी सर तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। सुबह अपना एक नारियल पानी पी के इंस्टीट्यूट आते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं नारियल पानी पीते हैं, घर में जाके 2 रोटी सूखी खाते हैं सब्जी के साथ, रात को दलिया या फल खा के सो जाते हैं। उस डाइट चार्ट को सेम वे में जब वो बताते हैं तो उसका इंपैक्ट आता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए। आज सुबह सुबह कह रहे थे कि अब तो आप जा रहे हो तो आप 6-7 बजे आओगे, तो आप ऐसा करो एक रोटी ना फालतू ले लो। मैंने कहा जी एक रोटी अगर मैंने फालतू ले ली ना तो फिर तो मैं ओबेसिटी का प्लान करने जा रहा हूँ, ये ऐसी गड़बड़ मैं नहीं ले सकता। और आज इतने साल हो गए जी मिर्च नहीं खाना मीन्स नहीं खाना, लाल मिर्च नहीं खाना मीन्स नहीं खाना। इकलौता जवाई हूँ मैं, राजस्थानी मारवाड़ी हूँ मैं, इकलौता जवाई हूँ, पता मारवाड़ी में खूब खाना खाते हैं। मैं ससुराल जाता हूँ कुछ नहीं खाता, जो खाना है वही खाना है, अगर कुछ दे दिया थाली में तो एज इट इज वो थाली पड़ी रहती है। मैं अपना जो निकालना है निकालता हूँ, एक ग्लास दूध, एक रोटी सूखी या सिर्फ दूध, बाकी चीजें ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, दोबारा बेचारे डालते ही नहीं, उनको पता है खाना तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करिए। अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं ना तो हम बिजनेस कर पाएंगे, ना हम करेक्ट रह पाएंगे और ना हम कुछ कर पाएंगे। आपने सुना है ना साउंड बॉडी साउंड माइंड, और तभी आप क्या कर सकते हैं साउंड बिजनेस। आप कभी भी क्या ऐसा हो सकता है मैं किसी को बोलूं अरे भाई आ जा मेरे पास मैं तेरा 40 kg वजन कम कर देता हूं, नहीं हो सकता है क्योंकि मैं इतना लेके बोलूं यहां भाई मैं तो इतना लेके हूं और मैं अगर आ जा भाई 40 kg वजन कम कर देता हूं तो पहले ही सवाल उसका क्या होगा जी यही एग्जैक्ट यही बात आपके साथ लागू होती है कि अगर आप साउंड बॉडी साउंड माइंड साउंड बिजनेस करना चाहते हैं तो इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अपने आप को फिट करना पड़ेगा। अगर आप फिट नहीं है तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते जिस लेवल को अचीव करने के लिए बाकी कंपनी छोड़ के बोली गेयर में आप आए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को फिट करना है। तो एक बात मैंने बताया कि हंगर डिक्रीज हार्मोन रिलीज करता है प्रोटीन, तो प्रोटीन हमने सुना तो है देता है लेकिन क्यों हमें नहीं पता। सेकेंड वजह प्रोटीन देने की थर्मिक एक्टिविटी। थर्मिक एक्टिविटी क्या होता है वो देखिए, प्रोटीन की थर्मिक एक्टिविटी होती है 20-30%, कार्बोहाइड्रेट की होती है मैं समझाता हूं ये होता क्या 5-10%, और फैट की होती है 1-3% थर्मिक एक्टिविटी। प्रोटीन खाने से होता क्या है, थर्मिक एक्टिविटी क्या होती है कि अगर हमने 100 कोई चीज 100 लिया 100 ग्राम लिया कुछ भी लिया तो उसका 20-30% उसके डाइजेशन में चला जाता है, तो मतलब बचा कितना हमारे पास 70%। अगर मैंने इसको लिया
तो कितना बचा मेरे पास, और इसको लिया तो कितना बचा, समझ गए? एक्यूमुलेशन ज्यादा कहां होने वाला है, फैट और कार्बोहाइड्रेट खा के होने वाला है, और प्रोटीन खा के अगर आप पेट भरते हो, उस प्रोटीन जो बॉडी में जाती है उसका 70% ही आपका बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है। बात समझ आई मेरी? तो कहते हैं प्रोटीन की थर्मिक एक्टिविटी क्या होती है, वो उसको डाइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है आपकी बॉडी का, और आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से आता है, कहां से जो आपके अंदर मसल्स हैं, जो फैट्स हैं, जो लीवर के आसपास जो जमा हो गया है, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में नहीं खाते हो और प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आपने कम कर दिया, अब आपको वो एनर्जी, उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, जो आपका फैट है वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। जैसे फैट डिसॉल्व होगा एनर्जी आएगी, वो एनर्जी कहां लगी, प्रोटीन। फैट गया आपका, समझ आई मेरी बात? तो फैट आपका हट गया। तो ये प्रोटीन डाइट लेते हैं, और नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन डाइट ही लेना चाहिए। जब आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन डाइट स्टार्टेड, ब्रेकफास्ट स्टार्टेड विद प्रोटीन डाइट, अब करना क्या आपने, सुबह उसको टाइम टेबल बना के देना है, क्या टाइम टेबल बना के देना है आपने जी, 8 से लेके 8:30 के बीच में आपने हमारा क्या पीना है, काहे को हमें क्रश क्रश बोलना है, हम तो वही बात बोलेंगे जो मार्केट में फेमस है, समझ गए? तो हम तो क्या बोलेंगे जी, आपने 8 से 8:30 बजे प्रोटीन छीने। अब आप बोलेंगे जी प्रोटीन तो हम दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, आपका हम क्यों लें, उसकी वजह देखें। आपने प्रोटीन अगर देखा हो तो हमारे वाले प्रोटीन में आपने कभी ध्यान से देखा उसमें क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड प्रोटीन भी नहीं लिखा, एमिनो एसिड, उस प्रोटीन में लिखा है आइसोलेटेड एमिनो एसिड। प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो किसमें चेंज होता है, एमिनो एसिड। फैट जब डिसॉल्व डाइजेस्ट हो जाता है तो किसमें चेंज होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसिन। और कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। तो जो प्रोटीन आप ले रहे हैं सबसे पहली बात है वो प्रोटीन क्या है, आइसोलेटेड प्रोटीन है, और आइसोलेटेड भी प्रोटीन नहीं है, एमिनो एसिड है। मतलब लिटरली तो बहुत ज्यादा डाइजेशन आपको करना नहीं पड़ता। तो जब डाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है तो हो क्या रहा है, वो सारी एनर्जी कहां बच गई, अब वो एनर्जी कहां लगेगी, किसी ना किसी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने लग जाए। आपने सुना हार्ट टूट गया जी, पैर टूट गया जी, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको, चलो फिर हाथ मत हिलाओ प्लास्टर बांध देंगे आपको यहां पे, है ना, क्यों, मूवमेंट ना हो, मूवमेंट नहीं होगा, एनर्जी कहां की प्रिजर्व रहेगी, जो आपके हड्डी को जोड़ने में फास्ट हेल्प करना शुरू करेगी। तो ये प्रोटीन में आपने देखा प्रोटीन के साथ क्या खास बात है, एक तो प्रोटीन की खुद की खास बात क्या है कि वो एपेटाइट को कम कर देता है, भूख को कम कर देता है, थर्मिक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसके बाद हमारी जो प्रोटीन है, हमारे प्रोटीन में क्या खास बात है, आइसोलेटेड एमिनो एसिड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हमारे को जद्दोजहद नहीं करने की जरूरत, ये खास बात है किसमें, प्रोटीन, समझ आ गई। इसके अलावा सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, बाद डिस्टर्ब हो जाएगा सर, समझ आ गई आपको प्रोटीन के। तीसरी बात है जब आप प्रोटीन किसी को भी देते हैं तो आपने देखा होगा कि ओबेसिटी के जो केसेस होते हैं उसमें आप कॉमन प्रॉब्लम आप क्या देखते हैं कि वो डायबिटीज को लेके आता है, मैक्सिमम ओबेसिटी वाले केसेस में डायबिटीज साथ में होता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रोटीन डाइट बेस्ट डाइट होती है, तो होगा क्या उसका शुगर लेवल डाउन आना शुरू। तो एक काम इसने क्या करना है, शुगर लेवल डाउन करेगा।
समझ आ गया आपको प्रोटीन का यूज? क्या वो ओबेसिटी के पेशेंट को प्रोटीन दे सकते हैं? ये कोई डाउट हो गया देने में? इतनी बातें अगर आपको दिमाग में है तो आपको ओबेसिटी के केसेस को प्रोटीन देने में कोई इफ एंड बट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं कि अब हमें कैसे प्लान करना है ओबेसिटी के लिए। और तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है ओबेसिटी के लिए, और वो क्या है? फ्लेक्सॉइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या है? फ्लेक्सॉइड। आपने देखा होगा बाकी की कंपनी वाले कहते हैं ये दो गोली सुबह खा लेना, दो गोली शाम को खा लेना। हमारे पास भी फ्लेक्स ऑयल है, हम भी बोलेंगे दो सुबह खा लेना, दो शाम में खा लेना। क्यों बोले? हम क्यों बोले? कहते हैं जी प्रोटीन इसमें फ्लेक्स ऑयल में क्या है बेस्ट, क्या है इसके अंदर? अमीनो एसिड ओमेगा 369। ज्यादा हमारे क्या होते हैं? ओमेगा 3। स्पाइरुलिना के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उसमें 369 सब होते हैं। तो ओमेगा 3 फ्लेक्स ऑयल के अंदर क्या होता है? ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आपको कई सारी बीमारियां नहीं होती है। इसके ये इसकी वजह से आपकी क्या बढ़ जाती है? सिंपल भाषा में बात करें तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल में ओमेगा 3 है, इससे आपकी क्या होगी? एंटीऑक्सीडेंट होता है वो, और वो फ्री रेडिकल्स को अब्सॉर्ब करता है, और इससे आपकी क्या होती है? इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जल्दी कोई डिजीज नहीं होता। इसके अलावा फ्लेक्स ऑयल का क्या काम है? एसडीएल को बढ़ा देता है और एलडीएल को इसका मतलब यू आर फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम से आप फ्री हैं। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने का मतलब इनर ओबेसिटी बढ़ गई। इनर ओबेसिटी कैसे बढ़ गई? ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या जमा होना शुरू हो गया? कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया। तो जैसे ही आप ओमेगा फ्लेक्स ऑयल लेना शुरू करते हैं, ओमेगा 3 होने की वजह से, आपने पता है आधे से ज्यादा वेलनेस की कंपनी जो है वो ओमेगा 3 बोल बोल के अपने सामान को बेच रही है। तो क्या आपके पास ओमेगा 3 नहीं है? है सर। ओमेगा 3 अगर आपके पास है तो आपको बेचने में क्या दिक्कत है? मतलब ओबेसिटी के साथ मैंने बोला डायबिटीज जुड़ा होता है, साथ में क्या जुड़ा होता है? हाई बीपी की प्रॉब्लम। आपको मैं गारंटी देता हूं, कोई मर्जी हाई बीपी का केस आप मुझे दे दो, अगर 15 से 20 दिन के अंदर उसकी मेडिसिन ना बंद हो करवा दी तो आप जो बोलेंगे वो करो। फ्लेक्स ऑयल 100% दीजिए। फ्लेक्स ऑयल आप बीपी वाले को देके देखिए। दूसरी बात, फ्लेक्स ऑयल में ओबेसिटी का कहीं ना कहीं वजह एक क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेटेड है बंदा, कब्ज की प्रॉब्लम है उसको, तो आपको फ्लेक्स ऑयल क्या करना है? फ्लेक्स ऑयल का दो नेचर, एक कमाल की बात है, फ्लेक्स ऑयल का एक नेचर जानते हो आप, मैं दो नेचर बताता हूं। ये कॉन्स्टिपेशन एंड डिसेंट्री दोनों में वर्क करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देगी, अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो आपको लूज मोशन ठीक कर देगी। सबसे कमाल की बात है इसमें, ये क्या करती है? आंतों के इंटेस्टाइन के ओवर एक्टिविटी को और कम एक्टिविटी को दोनों को बैलेंस कर देती है। ये आपका फ्लेक्स ऑयल के साथ खास बात होती है। और फ्लेक्स ऑयल दें अगर हम, आपको मैं गारंटी देता हूं 4 से 5 दिन के अंदर वो ये नहीं कह सकता आके
वो सीधा बोलेगा जी अब मेरा पेट ठीक से साफ होने लग गया। भाई जब पेट ही ठीक से साफ होने लग गया तो गंद एक्यूमुलेशन तो बंद हो गया ना। जब हाथों में गंद ही इकट्ठा नहीं है तो वजन कहां से बढ़ जाएगा, वजन तो आपका कम हो ही जाएगा। तो दूसरी बात नेक्स्ट है फ्लैक्स ऑयल के साथ, ये भी भूख को क्या करती है, डिक्रीज करती है। फ्लैक्स ऑयल भी भूख को कम करती है। जब आप फ्लैक्स ऑयल लेते हैं तो भूख थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका फ्लैक्स ऑयल के साथ ये खास बातें हैं। अब देखिए ओमेगा 3 बीमारी नहीं होने दे रही, एचडीएल आपका ठीक है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जो लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन हो जाता है, प्लस में कॉन्स्टिपेशन आपका रिलीज हो रहा है और साथ में क्या है भूख को कम कर। आप खास बात देखेंगे अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें फ्लैक्स ऑयल का, तो आप करके देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसका कॉन्फिगरेशन और थर्मोकोल का कॉन्फिगरेशन एक जैसा होता है। आप फ्लैक्स ऑयल इसमें डाल के देखिए पानी के साथ वो टूट जाएगा। तो ये उसका खास एक्सपेरिमेंट होता है जो आप कर सकते हैं, आप इसको दिखा सकते हैं करके। दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जिनको यूरिक एसिड होता है, जिनको यूरिक एसिड बनता है उनको भी ये सारी प्रॉब्लम हो तो उनको फ्लैक्स ऑयल हम दे सकते हैं? फ्लैक्स ऑयल क्यों नहीं दे सकते आप बताइए, आपके दिमाग में ऐसी क्यों बात है? क्या नहीं देना सर? यूरिक एसिड बढ़ते ही डॉक्टर सबसे पहले प्रोटीन बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, प्रोटीन बंद करते हैं, एमिनो एसिड नहीं बंद करते। हम तो डाइजेस्टेड फॉर्म दे रहे हैं, हम उसका प्रोटीन दाल का दे रहे हैं, हम तो दाल तो दे ही नहीं रहे, हम तो उसको ऑलरेडी वो फॉर्म दे रहे हैं जो उसको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में उसके बॉडी के अंदर जा रहे हैं। प्लस में अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो थोड़ा तो देखिए थोड़ा तो आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर आप उसको प्रोटीन इतना भी ज्यादा मत दे दीजिए कि एमिनो एसिड भी बाद में बॉडी के अंदर जाके बॉडी प्रोटीन में तो ये चेंज हो गई, एमिनो एसिड प्रोटीन से एमिनो एसिड बना फिर एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन तो बन नहीं। तो अगर यूरिक एसिड का केस है तो आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा कि आप उसके डाइट को थोड़ा मैनेज रखिए, है ना। तो उसको आप फ्लैक्स ऑयल दो दो मत दीजिए। ऐसे भी फ्लैक्स ऑयल में प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्या ज्यादा है ओमेगा 3, है ना। हम इस प्रोटीन को थोड़ा सा कम कर देंगे, हम दो टाइम नहीं देंगे एक टाइम दे देंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, यूरिक एसिड टेस्ट करवाएंगे 15 दिन के बाद। यूरिक एसिड में अगर हमें लगता है कि सेम सिचुएशन, यूरिक एसिड का दो बात है, या तो सेम सिचुएशन है या उसका यूरिक एसिड क्या हो गया बढ़ गया तो हम बंद कर देंगे, और लगा कि सेम है तो दो बार दे देंगे। तो अगर हम किसी को देखिए वेलनेस का प्रोडक्ट का ना, वेलनेस के प्रोडक्ट में एक खास बात आपको मैं बताता हूं कि वेलनेस के प्रोडक्ट को हम सप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट है और ये मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूं, मेरे लिए ये मेडिसिन है। सप्लीमेंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं तो। अगर आप हेल्दी हैं, आपको डिजीज नहीं है, तो आप यूज्ड एज ए सप्लीमेंट मिनिमम डोज। और अगर उसी को सप्लीमेंट को आप फ्रीक्वेंट डोज देना शुरू कर दें तो वो सप्लीमेंट नहीं रहेगा, वो मेडिसिन बन जाएगा। तो फिर हमने एक चीज जो एक बार दे रहे हैं उसी चीज को हम क्या देंगे, 3 बार देंगे। जैसे मान लिया बीपी का कोई केस हमारे पास आता है तो हम फ्लैक्स ऑयल उसको 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम देंगे। और अगर हमारे पास एक नॉर्मल बंदा आता है कि जा मुझे यार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है भाई एक सुबह खा ले एक शाम खा ले, वो सप्लीमेंट है। और अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, डोज डिसाइड करते हैं, तो वो क्या है, मेडिसिन। हम मेडिसिन एलोपैथ मेडिसिन क्यों लेना चाहें, क्यों हम केमिकल लें, जब हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल फॉर्म में चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम मेडिसिन खाएं, हम इसी सप्लीमेंट को मेडिसिन बना के दे दें। तो ये आपकी अपनी समझदारी है कि उस सप्लीमेंट को मेडिसिन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको फ्लैक्स ऑयल की? टाइम कम है, फ्लैक्स ऑयल की तो पूरी क्लास हो सकती है,
तीन घंटे की, लेकिन वो एक घंटे का ही में हमें खत्म करना है इस चीज को, तो हम उसी चीज को लेके चलते हैं। अब कहते हैं नेक्स्ट आप क्या देने वाले हैं, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नेक्स्ट आपके पास ओबेसिटी को काटने के लिए चीज आपके पास क्या है, स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना में क्या होता है, बेस्ट प्रोटीन।